बाइक आपको स्टार्ट करनी है तो कोई झंझट नहीं है कि आपको ये देखना पड़े कि बाइक सीएनजी पे है कि पेट्रोल पे है। आप सीधा बस बाइक के ऊपर आके बैठो और बैठने के बाद आपको कुछ नहीं देखना है, न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल नहीं है तो, और सिर्फ आपको सेल्फ लगानी है क्लच दबा के। सेल्फ लगते ही बाइक स्टार्ट हो जाएगी, चाहे बाइक सीएनजी पे हो चाहे पेट्रोल पे हो, आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिंदास तरीके से बाइक को स्टार्ट करके और चल सकते हो। सीएनजी वाली गाड़ियां तो हमने बहुत चला ली, लेकिन अब टाइम आ गया है कि सीएनजी वाली बाइक्स भी हम चलाया करेंगे, क्योंकि सीएनजी वाली बाइक बजाज ने लॉन्च कर दी है जो 2 महीने पहले लॉन्च हो चुकी थी। सेलवाइज कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू के मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू बजाज फ्रीडम 125, वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल। पुणे में जब बजाज ने इस बाइक को लॉन्च किया था तो इस बाइक की रील मैंने डाली थी, जिसके ऊपर 70 मिलियन 7 करोड़ व्यूज़ आए थे और उसमें बहुत सारे लाखों ऐसे कमेंट्स थे कि भाई इस बाइक का सिलेंडर सेफ है कि नहीं, सिलेंडर फट तो नहीं जाएगा, क्योंकि बजाज के ऊपर तो हमारा ट्रस्ट है लेकिन सीएनजी सिलेंडर के ऊपर तो ट्रस्ट नहीं है ना, सिलेंडर फट तो नहीं जाएगा। तो भाई आज सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले मैं सेफ्टी के बारे में बता देता हूँ। बजाज ने इस बाइक के काफ़ी सारे सेफ्टी टेस्ट किए थे, जिसमें से क्रैश टेस्ट भी काफ़ी सारे थे, मतलब कि उसमें बाइक के ऊपर से ना ट्रक निकाल दिया था, कि काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स इस बाइक से करके देखे थे। तो बहुत सारे टेस्ट होने के बाद, बहुत सारे टेस्ट से ये बाइक गुजर के आई है, तो बिल्कुल ट्रस्टेड है, इस बाइक का सिलेंडर बिल्कुल भी नहीं फटने वाला। तो बाइक की काफ़ी नॉर्मल सी है, जिसके ऊपर बजाज का आपको लोगो मिलेगा, और कहाँ से सीट खुलेगी वो भी आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ आप की लगाओगे तो ये दी गई है सीट खोलने के लिए जगह, और यहाँ से लगाने के बाद ये जो सीट है पूरी ओपन हो जाएगी और ऐसे हाथ में आ जाएगी। और यहाँ पे है भाई इसका सीएनजी टैंक, जो 2 किलो का सीएनजी टैंक है, तो आप देख सकते हो सीट के नीचे है ये, और बाइक जो है ना वो ट्रेलिस फ्रेम के ऊपर बेस्ड है। तो ये आप देख रहे हो ये पूरी चेसी एक्सपोज हो रखी है, ट्रेलिस फ्रेम के ऊपर बाइक बेस्ड है, और उसी के बीच में जो सीएनजी टैंक है वो प्लेस किया गया है। तो ना तो सीएनजी सिलेंडर फटने वाला है और ना ही आपको कोई इशू फेस करना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। सीएनजी सिलेंडर कहाँ पे, ये तो आपने देख लिया, अब आपको दिखाता हूँ कि आपको सीएनजी भरवानी कहाँ से है। तो यहाँ पे आप यहाँ से ओपन करोगे की लगा के, तो यहाँ से इसके अंदर सीएनजी फिल होगी। और एक और सेफ्टी फीचर पता है क्या है, सीएनजी भरने के बाद जब तक आप इसको यहाँ से क्लोज़ नहीं करोगे, प्रॉपरली ये बंद नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये सेफ्टी फीचर इसके अंदर दिया गया है। और यहाँ से आप पेट्रोल इसके अंदर डलवा सकते हो। ये फ्यूल की कैप है, इसको आप खोलोगे तो यहाँ से फ्यूल डल जाएगा, आप देख सकते हो फ्यूल इसमें डला हुआ है और सीएनजी भी इसके अंदर डली हुई है। तो सीएनजी और पेट्रोल भरवाने का कोई झंझट नहीं है, एक ही जगह से आप सीएनजी भी इसके अंदर भरवा सकते हो, एक ही जगह से पेट्रोल डलवा सकते हो। तो ये भी बहुत सही चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है, कोई आपको झंझट नहीं होने वाला। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो ये इसका टॉप वेरियंट है, जिसके अंदर डिस्प्ले आपको मिल जाएगी, एलईडी हेडलाइट मिल जाएगी, और इसका एक शोरूम प्राइस है 1,10,000 रुपये, 1,10,000, और ऑन रोड प्राइस दिल्ली में इस बाइक का है 1,30,000, 1,30,000 रुपये। तो ऑन रोड प्राइस भी यार बाइक का बहुत सही है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होने वाला है। सो प्राइस भी अगर देखा जाए तो डिस्प्ले भी आपको मिल रही है, एलईडी हेडलाइट मिल रही है, डिजिटल कंसोल मिल रहा है। सो प्राइस भी कहीं ना कहीं बाइक का बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है यार, बहुत सही प्राइस रखा है। सेगमेंट में सबसे बड़ी सीट है जो यहाँ से स्टार्ट होगी, और इतनी बड़ी सीट है यार, यानी कि एक राइडर है पीछे पिलन बैठा हुआ है, एक छोटा बच्चा भी आगे आराम से बैठ सकता है। तो यार स्पेस काफ़ी अच्छा है और कमर्शियल यूज़ के लिए भी ये काम आ सकती है। यहाँ पर हुक दिए गए हैं बहुत ही अच्छे, कमर्शियल यूज़ इसमें आप ले सकते हो, दोनों साइड में आप बुक्स लगा सकते हो। अब रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो सिंगल पीस ग्रैब रेल है इसके अंदर, जो पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ में दिया गया है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है यार, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आता है। आपको पीछे हेलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, एलईडी टेल लाइट मिल जाएगी, और जब की ऑन होगी और ब्रेक आप लगाओगे तो एलईडी टेल लाइट के लुक्स कुछ ऐसे आएंगे, एलईडी टेल लाइट के यार लुक काफ़ी अच्छे हैं इस बाइक के। रियर फेंडर बहुत बड़ा नहीं है, काफ़ी शॉर्ट है, यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट होगी, उसके लिए एक छोटी सी यहाँ पे लाइट दी गई है, एक रिफ्लेक्टर भी है, और यहाँ पे आपको एक रियर टायर हगर भी देखने को मिल जाएगा। बाइक आपको स्टार्ट करनी है तो कोई झंझट नहीं है कि आपको ये देखना पड़े कि बाइक सीएनजी पे है कि पेट्रोल पे है। आप सीधा बस बाइक के ऊपर आके बैठो और बैठने के बाद आपको कुछ नहीं देखना है, न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल नहीं है तो, और सिर्फ आपको सेल्फ लगानी है क्लच दबा के। सेल्फ लगते ही बाइक स्टार्ट हो जाएगी, चाहे बाइक सीएनजी पे हो चाहे पेट्रोल पे हो, आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिंदास तरीके से बाइक को स्टार्ट करके और चल सकते हो। सो इसी बटन से बाइक सीएनजी पे और पेट्रोल पे आ सकती है, आगे आप करोगे तो सीएनजी पे आ जाएगी, पीछे करोगे तो पेट्रोल पे आ जाएगी। अब सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट, एग्जॉस्ट नोट आप बताना कि कुछ डिफरेंस है कि नहीं पेट्रोल पे और सीएनजी पे। तो अभी पेट्रोल पे है, पेट्रोल पे इसका साउंड ऐसा है, बहुत ही रिफाइंड आवाज़ है यार, बहुत ही स्मूथ आवाज़ है, एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा है इसका। अब इसको सीएनजी पे करते हैं, अब बाइक सीएनजी पे हो गई, अब सीएनजी पे साउंड सुनते हैं इसका, सो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है यार सीएनजी पे और पेट्रोल पे, साउंड में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा।
और बाइक के अंदर काफी स्मूथ काफी रिफाइंड इंजन है। इंजन के बारे में बात करें तो इस बाइक के अंदर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड न्यू इंजन दिया गया है जो 125 सीसी का बिल्कुल न्यू इंजन है। मैक्सिमम पावर ही प्रोड्यूस करता है 9.5 पीएस की जो आपको 8000 आरपीएम पे मिल जाएगी और 9.7 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है जो आपको 5000 आरपीएम पे मिल जाएगा। और ये जो मैंने आपको आउटपुट फिगर्स बताई हैं ये इस बाइक की सीएनजी पे मिलेंगी आपको, और पेट्रोल पे अगर आप बाइक को चलाओगे तो पेट्रोल पे थोड़ी सी पावर और थोड़ा सा टॉर्क आपको बेटर मिल जाएगा। अब माइलेज की अगर बात करें तो माइलेज सीएनजी पे इसको आपको मिलने वाली है 105 किलोमीटर पर केजी की, और पेट्रोल भी आपको मिलने वाली है लगभग 70-75 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की। तो माइलेज इसके अंदर आपको बहुत ही बेस्ट मिल जाएगी, सीएनजी पे बहुत ही अच्छी माइलेज बाइक ऑफर करने वाली है। 2 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और 2 किलो का इसके अंदर सीएनजी टैंक है। तो इसकी जो रेंज आपको मिलेगी फ्यूल फुल करवाने के बाद सीएनजी और पेट्रोल, वो 330 किलोमीटर की आप इसके साथ एक बारी में डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकते हो। बात करते हैं बाइक के वो लुक्स डिज़ाइन और स्टाइल के बारे में, तो सबसे पहले फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में आप देख सकते हो एलईडी हेडलाइट बाइक के अंदर दी गई है और साइड में यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन सा दिया गया है, और एलईडी हेडलाइट जब बाइक की ऑन होगी तो कुछ ऐसे लुक आएंगे यार इसके अंदर। हेलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर्स इसके अंदर दिए गए हैं जिनकी जो स्टाइल है ना मतलब थोड़े से यार अलग स्टाइल के हैं, और बाइक भी थोड़ी सी अलग ही टाइप की है, मतलब यूनिक टाइप की बाइक है। आप बाइक को लेके चलोगे तो हाँ आप बिल्कुल लोग आपको नोटिस करेंगे कि थोड़ी सी डिफरेंट बाइक है, वो सीएनजी बाइक है तो इसके अंदर अपना एक यूनिक डिज़ाइन भी दिया गया है। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे फ्रीडम की आपको बैजिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे ये सस्पेंशन कवर्स दिए गए हैं, इनको आप फोक गेटर्स भी बोल सकते हो। तो सस्पेंशन कवर्स हैं, ये प्लास्टिक के पार्ट हैं लेकिन इनकी वजह से सस्पेंशन पे इजीली धूल मिट्टी नहीं जाएगी और कोई भी लीकेज की प्रॉब्लम इजीली नहीं आने वाली है। पीटर ग्रे कलर है ये, इसके अंदर आपको पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे साइड में भी और यहाँ पे आगे की तरफ भी, और ऊपर वाला जो हेडलाइट का पार्ट है ये आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो कंसोल का पार्ट है, इंडिकेटर्स के पास वाला जो पार्ट है, ये भी आपको ब्लैक कलर की प्लास्टिक वाला जो आता है ना बिल्कुल वैसे आपको देखने को मिलेगा। व्हील्स के बारे में बात करें तो 17 इंच का लोवील इसके अंदर दिया गया है, फ्रंट में ब्लैक कलर का लोवील है, और फ्रंट में इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी जो 240mm के आसपास की है। ब्रेक कैलिपर कौन सी कंपनी के हैं ये बजाज ने हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रिप्स भी देखने को मिल जाएंगी जो बजाज की सभी बाइक्स के अंदर लोवील्स के ऊपर देखने को मिलती हैं, जो काफ़ी अच्छा लुक दे रही हैं। लेकिन ये वाले जो पार्ट हैं इनके भी यार जो लुक्स है ना वो काफ़ी मतलब ड्यूअल टोन टाइप की फिनिशिंग आ रही है, यहाँ से आपको ग्रे कलर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर मिलेगा, सो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। और वैसे ऑल ओवर फिट एंड फिनिश के बारे में अगर बात करें तो यार एक 125 सीसी कम्यूटर बाइक के अकॉर्डिंग बाइक की जो ऑल ओवर फिट एंड फिनिश है ना वो आपको बहुत ही सही देखने को मिल जाएगी यार। कम्यूटर बाइक्स में फिट एंड फिनिश आपको जैसे मिलती है ना बिल्कुल वैसे ही फिट एंड फिनिश आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाली है। और बेसिकली एक चीज़ ये भी है कि ये बाइक एक कम्यूटर बाइक है तो इससे आप परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इसके अंदर मिलेगी, क्योंकि बाइक की जो आउटपुट फिगर्स हैं उसके हिसाब से एक कम्यूटर बाइक है और आपको परफॉर्मेंस इसके साथ में डिसेंट ही देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। लेकिन कमर्शियल यूज़ में आप इस बाइक को ले सकते हो, डेली अगर आपको ऑफिस आना जाना है तो इस बाइक को आप यूज़ में ले सकते हो। अब इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात करें तो इसके अंदर कॉम्पैक्ट साइज़ का इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है जो फुली डिजिटल है, और इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले फीचर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो ब्लिंक हो रहा है इसका साइन है ब्लूटूथ का, यहाँ पे इंडिकेटर्स का साइन है, यहाँ पे न्यूट्रल का साइन है, यहाँ पे फ्यूल का आपको साइन मिल जाएगा, और यहाँ पे इंजन मोड फंक्शन का साइन है, और नीचे यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे स्पीडोमीटर है, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है, यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा, और जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। सारे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, मिस कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और जैसे ही कंसोल ऑन होता है तो यहाँ पे लिखा आता है हेलो हाय, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है हेलो लेट अस राइड, और यहाँ पे आपको बजाज लिखा हुआ मिल जाएगा साइड में। और इसके अंदर भी यार ड्यूल टेक्सचर का डिज़ाइन दिया गया है, आप ये देखोगे तो ब्लैक है यहाँ पे, और बीच में आप देखोगे तो थोड़ा सा ये डार्क ग्रे कलर की फिनिशिंग है यहाँ पे टेक्सचर के साथ में। तो काफ़ी बड़ा कंसोल तो नहीं है लेकिन देखने में यार काफ़ी कॉम्पैक्ट है और अच्छा लग रहा है। एक इसके अंदर यूज़फुल फीचर ये भी है कि आपको एक यूएसबी पोर्ट भी इसके अंदर मिल जाएगा, तो मोबाइल आप यहाँ पे माउंट करोगे तो आपका मोबाइल आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो बड़ी इजीली। ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है जो आजकल सभी बाइक्स के अंदर आने लगा है। हैंडल बार के बारे में बात करें तो बाइक का जो हैंडल बार है वो बहुत ज़्यादा वाइड तो नहीं है लेकिन जैसे कंप्यूटर बाइक्स के अंदर होता है बिल्कुल वैसे ही आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको एक कनेक्टिंग रोड मिल जाएगी जो बेसिकली कंप्यूटर बाइक्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसके ऊपर आप अपना मोबाइल माउंट कर सकते हो यार, ये चीज़ बहुत अच्छी दी गई है। और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग देखने को मिलेगी, जो पेंट की क्वालिटी है वो यार इसके अंदर बहुत अच्छी दी गई है, पेंट की क्वालिटी आपको हर एक एंगल से बाइक के अंदर अच्छी देखने को मिलेगी। रियर व्यू मिरर्स इस बाइक के देखने में हल्के लग रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बहुत ज़्यादा हल्के होंगे ये, क्योंकि जब बाइक लॉन्च हुई थी उस टाइम पे मैं अच्छे से देख नहीं पाया था, लेकिन अब मैं इनको एडजस्ट करके अगर देख रहा हूँ तो यार इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार, इतने हल्के नहीं हैं ये, तो इतनी ईजिली ये वाइब्रेट नहीं करेंगे हाईवे पर, बिल्कुल भी ये वाइब्रेट नहीं करने वाले हैं, चाहे आप
100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी अगर बाइक के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो भी इनकी स्टेबिलिटी यार बहुत अच्छी रहेगी और पीछे से व्यू भी डिसेंट आएगा। तो ये सीएनजी वाला बटन है, आगे आप करोगे तो बाइक सीएनजी पे आती है, पीछे करोगे तो यहाँ पे बाइक पेट्रोल पे आ जाएगी। और स्विच गियर्स के बारे में बात करें तो यार स्विच गियर्स की जो क्वालिटी है वो बाइक के अंदर बहुत सही दी गई है। कम्यूटर बाइक के अकॉर्डिंग आपको क्वालिटी बाइक के अंदर स्विच गियर्स की भी अच्छी देखने को मिल जाएगी। राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट बटन है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में पासिंग लाइट का स्विच है, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स का स्विच मिल जाएगा, नीचे आपको हॉर्न मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर लेग गार्ड भी थोड़ा सा ना अलग दिया गया है, आप देखोगे तो लेग गार्ड जो है ना वो ऐसे ही होता है बस, ये आगे वाला पार्ट लेग गार्ड के अंदर नहीं आता है। लेकिन इस बाइक के अंदर सीएनजी टैंक लगा हुआ है तो इस वजह से सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखते हुए बजाज ने बाइक के लेग गार्ड को थोड़ा इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि बाइक का जो सिलेंडर है उसके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा ना जाए और कुछ भी अगर एक्सीडेंटली हो जाता है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो ईजिली जो टैंक है उसके ऊपर कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो इसका लेग गार्ड है वो है तो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का, लेकिन बिल्ड क्वालिटी यार इसकी टॉप नॉच है एकदम। जो सस्पेंशन कवर्स हैं उन पे यहाँ पे आपको जाली वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा जो दोनों साइड में है और पियानो ब्लैक कलर की पूरी फिनिशिंग यहाँ पे दी गई है। अब टैंक श्राउड्स के बारे में बात करें तो टैंक श्राउड्स का डिज़ाइन यार थोड़ा सा ना अलग दिया गया है इस बाइक का, यूनिक है। यहाँ पे ग्रे कलर की फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी, बजाज का यहाँ पे लोगो मिल जाएगा, उसके नीचे फ्रीडम मिल जाएगा और ये 3D एम्बेड लोगो है जिसपे क्रोम की फिनिशिंग भी दी गई है जो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो रही है और बहुत अच्छी लग रही है। इस बाइक के अंदर आपको ट्रिपल टोन टाइप की कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी क्योंकि बाइक के अंदर ब्लैक कलर है, ग्रे कलर की फिनिशिंग भी है, डार्क ग्रे कलर की स्ट्रिप्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी और किक का ऑप्शन भी यार बाइक के अंदर दिया गया है। तो यार ये बहुत ही सही चीज़ है, चाहे आप सीएनजी पे बाइक को स्टार्ट करो चाहे पेट्रोल पे स्टार्ट करो, आपको किक का ऑप्शन भी बाइक के अंदर मिलेगा जो आजकल बाइक्स के अंदर नहीं मिलता है। फुट पैक्स के बारे में बात करें तो यार फुट पैक्स की क्वालिटी भी बाइक के अंदर बहुत ही अच्छी है यार, आप देखोगे तो फुट पैक्स की क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। जो ब्रेक पैडल है उसकी क्वालिटी भी यार बाइक के अंदर बहुत ही अच्छी दी गई है। रियर में बाइक के अंदर एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। कम्यूटर टाइप की जो बाइक्स होती हैं उनके अंदर रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन नहीं आता है, लेकिन बजाज ने इस बाइक के अंदर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया है जो सीएनजी सिलेंडर के साथ में बाइक का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो यार काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे अगर ट्विन चोक एब्जॉर्बर सस्पेंशन होते तो बाइक का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है और कंफर्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन मोनोशॉक सस्पेंशन है तो बाइक के अंदर कंफर्ट भी आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। इंजन काउल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा मेटल का पार्ट है यार, नीचे से पूरा मेटल का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आगे से ये थोड़ा प्लास्टिक का पार्ट है, लेकिन इसकी क्वालिटी यार बहुत अच्छी है। ये है तो प्लास्टिक का पार्ट लेकिन आपको बिल्ड क्वालिटी इसकी टॉप नॉच मिल जाएगी, नीचे वाला पार्ट आपको मेटल का मिल जाएगा। और जो एग्जॉस्ट है यार एग्जॉस्ट भी इसके अंदर काफ़ी बड़ा तो नहीं है, मिडशिप टाइप का एग्जॉस्ट है और उसके ऊपर ही आपको एक प्लेट भी देखने को मिल जाएगी जो ग्रे कलर की है। अब रियर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो बाइक के अंदर जो रियर वाला व्हील है वो आपको 16 इंच का मिलेगा, ये 17 इंच का व्हील बाइक के अंदर नहीं है, 16 इंच का व्हील आपको पीछे मिलेगा आप देख सकते हो यहाँ पे। और रियर में जो टायर है बाइक के अंदर वो 120/70 सेक्शन का टायर दिया गया है, 16 इंच का व्हील है और ब्लैक कलर का अलॉय व्हील है जिसपे आपको स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएंगी ग्रे कलर की जो काफ़ी अच्छा लुक दे रही हैं। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी यार बाइक के अंदर अच्छा है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही बाइक के अंदर मिलेगा क्योंकि रियर में डिस्क ब्रेक का कोई भी ऑप्शन इस बाइक के अंदर नहीं दिया गया है, जो डिस्क ब्रेक है वो सिर्फ फ्रंट में ही आएगी। और जो बेस मॉडल है बाइक का उसके अंदर फ्रंट में भी आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। बेस मॉडल का जो एक्सशोरूम प्राइस है वो 95,000 है और बेस मॉडल का जो ऑनरोड प्राइस है वो 1,13,000 1,13,000 रुपये दिल्ली में है। लेकिन जो बाइक का मिड वेरियंट है उसके अंदर आपको LED हेडलाइट मिल जाएगी बट डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, उसका जो एक्सशोरूम प्राइस है वो 1,05,000 रुपये और ऑनरोड प्राइस उसका आपको मिलेगा 1,24,000 के आसपास। जैसी इस बाइक की बिल्कुल एक्सपोज टाइप की है यार, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे ना तो चेसी पूरी की पूरी एक्सपोज हो रही है, ट्रेलिस फ्रेम के ऊपर बाइक बेस्ड है। मतलब आप देख रहे हो जो हाई एंड बाइक्स होती हैं यानी कि जो स्पोर्ट्स बाइक होती हैं वो ट्रेलिस फ्रेम के ऊपर बेस्ड होती है, लेकिन ये कम्यूटर टाइप की बाइक है और ये ट्रेलिस फ्रेम के ऊपर बेस्ड है। तो बाइक का कंफर्ट आपको अच्छा मिलेगा, हैंडलिंग अच्छी मिलेगी क्योंकि चेसी की वजह से बाइक पे कंट्रोल, बाइक की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो बाइक के बारे में यार हमने सारी बातें कर ली हैं, लेकिन बाइक पे जब आप बैठोगे तो फील कैसा आएगा, बाइक को जब आप राइड करोगे तब कैसा फील आएगा, जब बाइक के अंदर सीएनजी भरवाओगे तो कहाँ से सीएनजी भरवानी है, कैसे बाइक के अंदर सीएनजी भरती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जब बाइक का राइड रिव्यू आएगा। राइड रिव्यू में सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस बाइक की कैसी है, माइलेज कैसी है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में यार फिर इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @KTKMotoVlogs पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।